खबर रीवा जिले से है, जहां पुलिस और स्थानीय लोगों से परेशान महिलाओं के द्वारा कड़कड़ाती ठंड में एडीजी कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा था। रात में ही खबर चलाने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली और आनन फानन में रीवा एडीजी कार्यालय में धरने पर बैठी महिलाओं को एसडीएम अनुराग तिवारी, डीएसपी गायत्री तिवारी, सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेन नाथ शर्मा, आईजी कार्यालय के स्टेनो अरुण सिंगला, अमहिया थाना प्रभारी दीपक तिवारी के द्वारा महिलाओं को समझाइश दी गई। इतना ही नहीं, शाहपुर एवं खटकरी पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव द्वारा संभाग के पुलिसकर्मी को चेतावनी दी गई है कि थाने में फरियादी से इज्जत से बात कर उनकी समस्या सुने। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी के ऊपर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। वहीं मानवता दिखाते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेन नाथ शर्मा, अमहिया थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने सभी महिलाओं को खाना खिलाकर वाहन से महिलाओं को घर भिजवाया। आपको बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गढ़वा चेक नंबर 1 निवासी सुषमा शर्मा अपने परिवार के साथ एडीजी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई थी। उनका आरोप था कि परिवार के नागेंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ उनके घर में घुसकर मारपीट किए, तोड़फोड़ की, लेकिन थाना प्रभारी उन्हें संरक्षण देते हुए कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। और दूसरा अवस्थी का नंबर भाई कौन अवस्थी का बोला ना कि आपकी सीढ़िया चलाओ बंद में जो ने कूद के चलती मार के पाइप तोड़ के नहर में डाला 4000 की पाइप रही। अम्मा भाई वासी दो गार्ड्स रात भर रहेंगे आपके यहाँ, ठीक है? और जो विवेचना है वो रुक जा भाई यार, सुन ले, समझ ले, ठीक है? विवेचना जो है शाहपुर से हट के खटकरी चली जाई, वहाँ के इज्जत कर रहे हैं हम, आपको अपना बच्चा मान रहे हैं, आपको हम आशीर्वाद देंगे। हमारे मैंने आपको बोला ना, मैं 3-4 बजे के पहले आवाज से मान लिया, अगर हमने दंड होई तो हम जब कट दिया तो अपना काम जब इतना मान लिया तब तो मान लो। काहे नफरत करत, काहे सब झूठ बोलता, बालकेश्वरी जो अवस्थी जो ऐसा दरोगा शाहपुर से हटावा गई, सस्पेंड की गई, तब सत्या पानी पीने प्राण चला गई, हमेशा अन्याय दरोगा परेशान, ये दरोगा ये इतना झूठ बोलता। कल हम लोग कार्रवाई करेंगे, कल हम लोग घरे इनके नाती हमारा शुक्ला जी के घर आज जी के यहाँ ना हो, आज 4 दिन से रीवा में चक्कर लगा रहा हूँ, कैसा नाच कर दी जितना साल सपना पूछी सत्य देवी झूठ बोलती है। वो फोन करके बोला कि वो मऊगंज में एडमिट है, दरोगा का कहा था काल आई जी के दरोगा कहा था की वो सीढ़िया से मऊगंज में एडमिट है, अपना फोन में देखी कार टंकी तोड़ तोड़ उछल उछल चक्कू मार मार के हमारे घर में इतना आदमी इतनी औरत कितना भड़फोर मचाई है। आप देखिए और जो अवस्थी है तो बोलता है कि वीडियो क्यों बनाई हो, नातिन को बोलता है तुझको काला कर देंगे, वो दरोगा झूठ बोलता है कि वो सीरियस है, ऐसा झूठ बोलना चाहिए तो झूठ बोल के मेरे बच्चों को ना बंदी बना रहा है। जो गलत कर रहा है सबको सजा मिलेगी, ठीक आ गया, नहीं था आज जल्दी पहुँचे रुके ये जाना है कोई तो कहीं हम हो आए कि नहीं हुआ अवस्थी, वहाँ से 5 मिनट नहीं हुआ उनको वहाँ से निकलने, इसके बाद ये तोड़ फोड़ इन लोगों को घेरा, पत्थर मारना, अंदर घुसना, पूरा किचन को नष्ट कर देना, ये आतंकवादी है ना। ये जब हम रिपोर्ट करवाने की गाड़ी बुलवाए वो घेरे गाड़ी वाले, जैसे कुछ लोगों के लिए खाना पैक करवाना है तो पैक करते हो नहीं करते ये काम? कुछ नहीं होगी करते, कितने लोगों को बंद कर रहे हैं सब? ये एक काम करो 8 लोगों के लिए। ये शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हटवा गांव से आई हैं महिलाएं, सत्या तिवारी और उनके परिजन हैं। इनका कहना है कि दूसरा पक्ष है जो उनके गांव का ही है,
जो इनके साथ वाद विवाद कर रहा है और इनके घर में तोड़फोड़ कर रहा है, जिसमें थाना में अपराध पंजीबद्ध है, उसमें दूसरे पक्ष को भी अभी पुलिस थाना साहेबपुर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसमें अभी पूछताछ कर चल रही है। जैसे भी जो भी तथ्य आते हैं उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धरने पे बैठी हैं कि नहीं? अभी उनको समझाइश दी गई है, उनसे समय लिया गया है, दूसरे पक्ष को भी अब तो वो समाप्त हो चुका है और वो संतुष्ट होकर यहाँ से जा चुके हैं।